गांव की स्थिति और आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रखते हुए एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित ईसापुर सुनवारी गांव पड़ा। वर्तमान में गांव के प्रधान कुंवरपाल सिंह हैं। लगभग 8300 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी मात्र 15 किलोमीटर ही है। लगभग 3800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। गांव में लगभग 750 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी स्कूल में लगभग 265 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 118 हैंडपंप गांव के प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं तथा 10 हैंडपंप सरकार से और लगवाने की मांग है। इसी के साथ ही विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 500 विद्युत पोल, 21 विद्युत ट्रांसफार्मर व 65 सोलर लाइटें भी गांव में लगवाई गई हैं। बाद अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 12 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाला, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 आवास, स्कूल में शौचालय व स्वच्छ भारत मिशन के तहत 86 शौचालयों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्वास्थ्य केंद्र, खेल का मैदान, पंचायत घर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 700 शौचालय व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 90 आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान कुंवरपाल सिंह, ग्राम पंचायत सुनवारी, विकास खंड संभल, मैंने अपनी ग्राम पंचायत को अच्छी सड़कें, अच्छा पानी, स्वच्छ व्यवस्था की व्यवस्था कराई, अच्छे नाले बनवाकर, हर गरीब की पेंशन, विधवा पेंशन बनवाकर और साठशाला बनवाकर हमने सबको, गरीबों को सहायता पहुंचाई। मैं यूपी सरकार से निवेदन करूंगा, हम प्रधानों के लिए जो 3500 का मानदेय है इसे 10000 बढ़ाकर हमें उसे मानदेय को बढ़ा लेना चाहिए और ग्राम प्रधानों को उनकी बात को यूपी सरकार श्री योगी नाथ जी से मैं निवेदन करूंगा, मेरी ग्राम पंचायत को अच्छा रुपया भेजकर अच्छी सड़कें, अच्छी नाले मैं और बना सकूं। मैंने उन्हें स्वस्थ पेयजल की व्यवस्था बनाकर स्कूल में दो प्राथमिक विद्यालय हैं उन्हें और एक जूनियर हाई स्कूल है, 5 आंगनबाड़ी हैं। मैंने सबके लिए व्यवस्था पेयजल की भी कराई है, टंकी फिटिंग कराई है, उन्हें अच्छी सुविधा देने का कार्य करूँगा और करता रहूँगा। मैं विकास चंद मौर्य, ग्राम ईसापुर सुनवारी का रहने वाला हूँ और मैं इसी ग्राम पंचायत में बैंक मित्र हूँ। गाँव की जनसंख्या 8500 होने के कारण गाँव में बड़ी बैंक की बहुत ज़रूरत है। मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि गाँव में एक बड़ी बैंक खुलवाने की कृपा करें। मैं जितेंद्र सिंह, ग्राम पंचायत ईसापुर सुनवारी, विकास खंड संभल, मैं ग्राम रोजगार सेवक के पद पर कार्यरत हूँ और 10 सालों से अपनी सेवा दे रहा हूँ और सरकार हम लोगों को बहुत कम ही मानदेय देती है। 14 साल महीने से मानदेय नहीं मिला है, बच्चों की हालत ख़राब है और आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमें एक सम्मानजनक मानदेय की स्थिति दे पाए। हाँ जी, मैं डॉक्टर श्यामलाल बोल रहा हूँ। ये हमारे गाँव के कुंवरपाल प्रधान जी हैं। जहाँ जहाँ गारा हो रहा था वहाँ जिन्होंने सीसी सड़क पड़वाई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारे काम सही कर देंगे। मेरा नाम अतुल कुमार है, मैं ईसापुर सुनवारी का मूल निवासी हूँ। जो है आप हैंडपम्प देख रहे हैं, पहले बंद था और हमारे श्री प्रधान जी ने, कुंवरपाल जी ने इसको ठीक करा के हमारे सभी ग्रामीण मोहल्ले को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं ग्राम पंचायत ईसापुर सुनवारी का मूल निवासी हूँ। हमारे ग्राम प्रधान श्री कुंवरपाल सिंह जी ने जो ये नाला आप वर्तमान में देख रहे हैं, पहले यहाँ पर बहुत गंदगी रहती थी और बरसात का पानी सड़क पर बहता था। श्री कुंवरपाल सिंह जी ने नाले को बनवाकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। हम सभी ग्राम पंचायत के जो भी निवासी हैं इनके कार्य की बहुत बहुत सराहना करते हैं।